दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपनी लाजवाब कप्तानी और शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से करोड़ों भारतवासियों का दिल जीत लिया है। जिस तरीके से उन्होंने पहले गेंदबाजी करते वक्त विकेट लिया, उसके बाद बल्लेबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाई और साथ ही साथ बेहतरीन कप्तानी करके उन्होंने अपना दीवाना बना लिया है, जिस पर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। क्या है नीता अंबानी का वो बयान, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने लाजवाब खेल दिखाया। बता दें कि इंडियन कैप्टन हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम ने टीम इंडिया के सामने 109 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें हैरी ट्रैक्टर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसकी बदौलत आयरिश टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए जरूरत थी 109 रनों की। ऐसे में टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज गायकवाड़ चोटिल हो गए थे, जो ओपनिंग करने के लिए नहीं आए और ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने आए दीपक हुड्डा, और पहले ही ओवर में ईशान किशन ने 15 रन ठोक डाले, लेकिन वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद दीपक हुड्डा के साथ कैप्टन हार्दिक पांड्या ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर पहुंचाया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने केवल 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 24 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौके और तीन गगनचुंबी छक्के लगाए। और दीपक हुड्डा ने अंत तक नाबाद रहते हुए 29 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। वहीं भारतीय टीम की जीत के बाद मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या की शानदार कप्तानी और ऑलराउंड प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीता अंबानी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ खेल दिखाया वो सच में काबिले तारीफ था। हार्दिक ने बहुत अच्छी कप्तानी की। उन्होंने ये बता दिया कि भविष्य में भी भारतीय टीम के नियमित कप्तान वो बन सकते हैं। उनके अंदर अद्भुत क्षमता है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया उनको बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। हार्दिक के अंदर कई सारी क्वालिटीज हैं। वो एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ अच्छे गेंदबाज और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण भी हैं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया के अगले कप्तान हार्दिक को ही होना चाहिए। उनके अंदर नेतृत्व की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो आगे जाकर एक बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। दोस्तों नीता अंबानी ने जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लेकर अपना बयान दिया है, उनके इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी और ऑलराउंड प्रदर्शन से बेहद प्रभावित है। और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि आगे आने वाले समय में हार्दिक ही भारतीय टीम की कमान संभालने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या आगे आने वाले समय में टीम इंडिया के कप्तान होंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।